अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। चैनल में आप अगर पहली बार आए हैं, आपको गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आज जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं वो है दजाल और इमाम महदी का ज़हूर होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, इस जानिए जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना करीब आ चुका है। ये बात तो हम गुज़श्ता कई दहाइयों से सुनते आए हैं, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी बिना पर हम यकीन से कह सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना नज़दीक आ गया है। बल्कि अगर हम ये कहें कि दजाल के निकलने का और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त एक साथ नज़दीक आएगा तो ये कुछ गलत नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब दजाल का खरूज होगा तो तब इंतज़ार करना कि जब खिरासान से काले झंडे निकलें और वो मशरिक़ की तरफ जाएं, तो तुम इंतज़ार करना कि मेरी औलाद में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दरमियान में मुमताज़ कर देगा और वो खिरासान के उन लश्करों की क्यादत करेगा और दजाल से जंग करेगा। और दजाल से पहली जंग के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा नाजिल होंगे। नाज़रीन, इस हदीस की मुख्तसर तशरीहात में कहा जाता है कि ये हदीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है जिनका असल नाम मोहम्मद होगा और इनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा और वो भी उस वक्त 40 बरस के होंगे और खाना काबा के तवाफ में मसरूफ होंगे। जब उलमा कराम की एक जमात जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खास फजल किया होगा वो उन्हें पहचान लेगी और उनके हाथ पे बैत करेगी और यूं हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इससे चंद दिन कबल ही खिरासान से काले झंडे निकलेंगे जो दजाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इस हदीस से दो बातों की सिराहत होती है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दजाल के खरूज के बाद होगा, यानी दजाल के जाहिर होने से कुछ अरसे बाद, जब दजाल पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुका होगा सिवाय मदीना और मक्का के, और वो अपनी फौजें लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में पड़ाव करेगा। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन खिरासानी लश्करों को जिनके झंडों का रंग काला होगा इनकी क्यादत करेंगे और जंग की सुबह फजर के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पे आसमान से फरिश्तों के कंधों पे टेक लगाए हुए नाजिल होंगे। नाज़रीन, हमने इस बारे में बहुत तफसील से पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा कौन सा मामला हुआ कि जिसकी बिना पर हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि अब खिरासान से काले झंडे निकलने का वक्त नजदीक आ गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खिरासान किस इलाके का नाम है। मौजूदा खिरासान मुल्क ईरान का एक सूबा है और खिरासान का ये एक इलाका अफगानिस्तान में भी शामिल है, यानी पुराने जमाने का वो खिरासान जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई वो दरअसल एक ही इलाका था, लेकिन मौजूदा जुग्राफियाई हदबंदियों के बाद से वो इलाका दो हिस्सों में तकसीम होकर दो मुल्कों के तसरुफ में, जिनमें ईरानी खिरासान और अफगानी खिरासान शामिल हैं। नाज़रीन, अब हम इस मामले की तरफ चलते हैं कि जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अनकरीब खिरासान से काले झंडों का एक लश्कर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक के मुताबिक जिनमें उन्होंने कयामत की निशानियां बयान फरमाई हैं, इनमें कहा गया है कि दजाल के खरूज से पहले मुसलमानों और ईसाइयों ने मिलकर यहूदियों से जंग करनी है और इसके बाद मुसलमान और ईसाई आपस में जंग करेंगे और इस दौरान दजाल का खरूज होगा। तो नाज़रीन, वो आखिरी जंग कौन सी है जो इस मामले को इस जंग तक लेके जाएगी जिसमें यहूदी एक तरफ और मुसलमान और ईसाई दूसरी तरफ होंगे? आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल फलस्तीन की जानिब से इसराइल पर हमला हुआ और अब इसराइल पूरी ताकत से गजा पे बमबारी कर रहा है और इसमें इसका साथ दुनिया की कई हुकूमतें दे रही हैं। कल ही एक ऐसी खबर आई जिसने इस चीज के इम्कानात रोशन कर दिए हैं कि शायद अब ईसाई मुसलमानों के शाना बशाना यहूदियों के साथ लड़ेंगे। वो खबर है ईसाइयों के उस सबसे कदीम चर्च की जो फलस्तीन के इलाके में कायम है और जिसकी तारीख सन 425 ईस्वी तक जाती है। कल की खबर के मुताबिक ईसाइयों का वो चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो गया है। ये वही चर्च है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कपड़ा जिसमें इन्हें लपेटा गया था और वो पैदा हुए थे, और वो कपड़ा जिसमें ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने के बाद रखा गया था, जिसपे इनका खून भी लगा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो पंघूड़ा या झूला जिसमें इन्हें पैदाइश के बाद लिटाया गया था, ये तमाम के तमाम तबारुकात उसी चर्च के अंदर रखे गए हैं।
अगर ये चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो जाता है तो ये इस कदर बड़ी पेशरफ्त होगी कि इससे सारी ईसाई दुनिया में भूचाल आ जाएगा। और मौजूदा इल्हाद का ये तूफान भी मजहबी जज्बात की शोला अंगेजी को रोक नहीं सकेगा। तो गालिब इम्कान ये है कि जैसे ही चर्च की तबाही की खबर बाहर आई तो ईसाई दुनिया पे इसका रद्द अमल बहुत शदीद होगा। अब तक के सोर्सेज के मुताबिक इस चर्च की तबाही की खबर को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यही डर इसराइल को भी है कि इस तरह से ईसाई दुनिया यहूदियों के खिलाफ ना हो जाए। अलबत्ता इससे पहले ही पूरी की पूरी ईसाई दुनिया में फलस्तीनियों के हक में बेशुमार मुजाहरे हो रहे हैं और कई जगहों पर और खास तौर पर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यहूदियों के हक में निकलने वाली एक रैली का टकराव फलस्तीन के हक में निकलने वाली एक रैली से हुआ, जहां पे शदीद हाथापाई और धींगा मुश्ती हुई और कई लोग जख्मी हुए। ये सब बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि बेशक उम्मत मुस्लिमा गफलत और बेहिसी की नींद सो रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी चालें चल रहा है और अनकरीब कुफार को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में ईरान वो वाहिद मुल्क है जो फलस्तीन के साथ खड़ा है और पुराने खिरासान का बेशतर हिस्सा भी ईरान के पास ही है। तो ये गुमान किया जा सकता है कि जो लश्कर खिरासान से काले झंडों के साथ निकलेगा वो ईरान से ही निकलेगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि काले झंडों का इस्तेमाल अफगानी खिरासान में मौजूद तालिबान की वो जमात करती है जिनका दूसरे तालिबान से अफगानी हुकूमत के मामले पर शदीद इख्तिलाफ चल रहा है। इसलिए ये क्यास करना फिलहाल दुश्वार होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत और कयादत में जो काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा वो अफगान तालिबान के नाराज गिरोह का होगा या ईरानी खिरासान में मौजूद शिया मलेशिया का। हमने अफगान तालिबान के नाराज गिरोह का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि हुकूमत में मौजूद तालिबान इस जंग में शिरकत से वाज़े इनकार कर चुके हैं और ये नाराज गिरोह शुरू से ही ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने या ऐसी हुकूमत को गले डालने के लिए आमादा नहीं था जो इनके पैरों में आलमी मसलियत की बेड़ियां बांधकर इन्हें दुनिया में खुले आम जिहाद से रोकते। इसलिए ये तय करना फिलहाल खासा दुश्वार होगा कि ये लश्कर किस ग्रोह पे मुश्तमिल होगा। अलबत्ता ये लश्कर खिरासान से निकलेगा, इस पर सभी उलेमा का इत्तफाक है। मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया के रिएक्शन और हालात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि अब दजाल के खरूज का वक्त भी नजदीक आता जा रहा है। जैसे ही इस चर्च की तबाही की खबर बाहर आई वैसे ही ये हालात मजीद कशीदा होते चले जाएंगे और सबसे पहले दजाल का फितना हमें अपने घेरे में ले लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि दजाल के इस फितने से जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत गिरफ्तार हो जाएगी उससे हमें महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और दजाल की वो निशानी के उसके माथे पे काफिर लिखा होगा हमें वो देखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हदीस के मुताबिक ये निशानी सिर्फ और सिर्फ वो साहिब ईमान देख सकेंगे जिनके दिलों में मुनाफकत नहीं होगी और जिनका ईमान पाक साफ और खालिस होगा। आने वाले हालात किस करवत बैठते हैं ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है, अलबत्ता हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारा ईमान सलामत रहे और हम दजाल के मुकाबले लड़ने वालों में शामिल हों, ना कि दजाल के साथ शामिल होने वालों में हमारा नाम लिखा जाए। आमीन सुमा आमीन। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और खुरासान से एक लश्कर निकलेगा, वहाँ की यानी सरबराही करेंगे वो इमाम मेहदी करेंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।